हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप के सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपके लिए एक और न्यू जॉब लेकर आ गया हूँ, और ये वाली जॉब सभी के लिए स्पेशल होने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्या डेजिग्नेशन मिलने वाली है, क्या आपका रोल होगा, साथ में गाइज आपकी इसमें सैलरी वगैरह कितनी होगी, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो विद लाइव प्रोसेस के साथ हम इस वीडियो में समझेंगे आपकी डेजिग्नेशन, सैलरी, रोल, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बस आपको करना इतना है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उनको अच्छे से फॉलो करना है। तो चलिए, अभी मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको लाइव प्रोसेस के साथ दिखाता हूँ। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, आइए मेरी मोबाइल की तो स्क्रीन, गाइज यहाँ पर आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो के। तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इसके डेजिग्नेशन और रोल के बारे में। तो गाइज, ये जो जॉब है आपकी SBI लाइफ की तरफ से होने वाली है। साथ में यहाँ पर आपको जो है इंश्योरेंस एडवाइज़र की ये जॉब मिलने वाली है, जो आपका रोल होगा इसमें एडवाइज़र के तौर पर होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इनकी जो करियर ग्रोथ है वो किस तरीके से इनकी करियर ग्रोथ होगी, साथ में आपको इसमें कैसे ज्वाइनिंग करना होगा, अप्लाई कैसे करना होगा, ये वो जान लेते हैं एक बार। ठीक है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिवॉर्डिंग करियर डेट्स गिव यू टू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेज योर टाइम एंड दी सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्पावरिंग पीपल टू अचीव देयर ड्रीम्स, देन ज्वाइन अस एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ग्रोथ की। ठीक है, साथ में आपको अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लैपटॉप की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो भी आप इस काम को करने के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी बात गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि एक बहुत शानदार चीज़ है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या उसकी एलिबिलिटी, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र की ज्वाइनिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो क्या क्या मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है ना, वो आप अपने काम के हिसाब से कितनी भी ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी वो अनलिमिटेड होगी। जितना आप यहाँ पर काम करके इनको देंगे उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है कि हाँ आपको इतनी ही मिलेगी। आप चाहें तो एक महीने में 40,000 कमाएं, एक महीने में 80,000 या लाख रुपये भी कमा सकते हैं, यहाँ से डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने जो दी है, ए चांस टू बी योर ओन बॉस एंड एन्जॉय फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क टाइमिंग। तो गाइज, यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि आप जो हैं अपने खुद के बॉस हैं इस काम के, साथ में आपके ऊपर यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा, और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने टाइम निकाल के इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना इसको टाइम देना चाहते हैं उतना इस जॉब को टाइम दे सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपकी अर्निंग भी होगी यहाँ पर। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला है, ए चांस टू मेक अ रियल डिफरेंस बाय हेल्पिंग पीपल अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। तो यहाँ पर जो है आपको लोगों की हेल्प करनी है, कि भाई उनको सही एडवाइस भी साथ में देनी है कि आपके लिए ये इंश्योरेंस ठीक रहेगा या नहीं, उन अपने इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने अप्लाई का ये बताया हुआ है, ठीक है, कि हु कैन अप्लाई, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्होंने वो भी यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो एक बार हम इस पर भी जाके देख लेते हैं। तो एनी वन विद एम्बिशन एंड जेन्युइन इंटरेस्ट इन हेल्पिंग अदर कैन अप्लाई। तो यहाँ पर जो है आप अगर बिजनेसमैन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या फिर आप हाउसवाइफ हैं, या फिर आप जो भी हैं स्टूडेंट, फ्रेशर, कुछ भी हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि बस आप ही और शी, यानी कि लड़का लड़की इसमें कोई भी जॉब को कर सकता है, बट उसकी एक एज क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि है मिनिमम 18 ईयर। तो आप कम से कम में ना तो 18 साल के होने कंपलसरी हैं यहाँ पर, और साथ में जो है इन्होंने बोला है ही और शी हैव पा, तो आप यहाँ पे 10वीं पास भी अगर आपके पास है, अगर आप 10वीं पास हो तो भी आप इस काम को करने के लिए एलिजिबल हो। और जो 10वीं पास नहीं है और उसके पास डिप्लोमा है तो ये आप कर सकते हो उस जॉब को। ठीक है, उसके लिए भी ये एलिजिबल है। ठीक है,
तो इन्होंने यहाँ पे अपनी हु कैन अप्लाई में बताया हुआ है कि कौन इस जॉब को कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो अब हम चलते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, फिल इन द डिटेल बिलो एंड सबमिट योर एप्लीकेशन टू ज्वाइन एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं या डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना ऑप्शन जो भी आप हैं। उसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पर आ जाएगा, देन आपके नाम का जो ईमेल एड्रेस होगा, जो रियल ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करना, साथ में जो फुल नेम आप डालेंगे यहाँ पर वही डालना जो आपकी मार्कशीट में होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद अपना पिन कोड, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, रेसिडेंस फ़ोन डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, रेसिडेंस फ़ोन में आप डाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट बैंक या सॉरी स्टेट, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है, जहाँ भी आप रहते हैं इंडिया के किसी भी कोने में, जहाँ से भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सारी स्टेट्स के नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, किसी भी राज्य से हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पर मैं कर दे, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर आप अपनी सिटी बता देना है यहाँ पर कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी सिटीज़ आ रही, क्योंकि पूरी इंडिया का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल कुछ भी अभी सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर लिखा है 4-0, तो इसमें क्या करना है, ठीक है, 4 में से 0 के यानी कि 4 तो कुछ बचा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, 4 करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जिसको नहीं आ पाता, जो नहीं इतना ज़्यादा समझ पा रहा चीज़ों को, तो ये देख लो। तो 8-1 यहाँ पे आप क्या कर देना, 7 कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप इसको कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आराम से फिल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी फॉर्म नहीं भरा, इसलिए मुझे एरर यहाँ पे अभी शो कर रहा है, मतलब कि अभी आप अपना पहले फॉर्म भरिए फिर सबमिट कीजिए, ठीक है गाइज। तो यहाँ से आप करके इस ज्वाइनिंग यहाँ से कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अगर किसी को परेशानी आती है फॉर्म भरने में, तो वो अपना ब्राउज़र चेंज कर लें या फिर लैपटॉप से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता एक बार मोबाइल से, तो आप लैपटॉप से कर लेना इसको अप्लाई, ठीक है गाइज़। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, और मैं डेली के डेली यहाँ पर आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जो भी चाहता है वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, अपनी जॉब करना है, फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, सो अभी के लिए बाय गाइज, टेक केयर।